हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज का डेट है 14 दिसंबर 2022 और आज हम लोग देखने वाले हैं निफ्टी को और बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड किया है आज के डेट में। और कल यानी एक्सपायरी, कल एक एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी 15 दिसंबर के दिन थर्सडे का। और हम देखने वाले हैं कि वीकली एक्सपायरी के दिन वो कौन कौन सा स्टॉक्स है या बैंक निफ्टी और निफ्टी का कौन कौन सा लेवल है जिसपे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो आप लोग को मालूम है वीकली एक्सपायरी में हम लोग जबरदस्त ट्रेड करते हैं, जहां पर 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, कई बार हम लोगों ने 10 टाइम्स भी बनाया है लाइव मार्केट में बैंक निफ्टी को और निफ्टी को ट्रेड करके। जो लो प्रीमियम वाला बाई करते हैं आउट ऑफ दी मनी और इसे इन दी मनी होने का वेट करते हैं और ऊपर भी जाने का वेट करते हैं, उसके बाद हम लोग प्रॉफिट बुक करते हैं। ये जबरदस्त सारी स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूँ, लेवल बताने वाला हूँ बैंक निफ्टी का और निफ्टी का क्या हो सकता है। साथ ही साथ में 4 स्टॉक बताऊंगा इंट्राडे के लिए, प्योर इंट्राडे का। उन 4 में से 1 स्टॉक होगा जिसमें कि आप स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, राइट गाइस। बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस के पहले मैं आपको बताना चाहता हूं वो 10 स्टॉक जो मैंने आपको 10 स्टॉक परसों और कल बताए थे, वो सारे स्टॉक किस तरीके से स्विंग ट्रेड में बिहेव किया है। एक बार मैं परफॉर्मेंस देखना चाहता हूं कि मैंने जो स्टॉक्स बताए हैं उसमें कौन कौन से स्टॉक है जो किस तरीके से अभी चल रहा है। तो सबसे पहले देखिए गाइस, वो 10 स्टॉक में पहला स्टॉक है अपोलो हॉस्पिटल। मैंने आपको अपोलो हॉस्पिटल यहाँ पर बाई करने के लिए बोला था, अभी आप देखें तो उस लेवल से नीचे आया था, अपोलो को आप इग्नोर कर सकते हैं। सेकेंड स्टॉक है डीएलएफ। डीएलएफ को मैंने आपको बाई के लिए बोला था गाइस यहाँ 403 पे। आप देख सकते हैं डीएलएफ ऑलमोस्ट आपको एक दिन के अंदर लगभग 2 से 2.5% दे चुका है। नेक्स्ट स्टॉक है आपका डिविज लैब। डिविज लैब को मैंने बाई के लिए 3342 पे सजेस्ट किया था, आज के डेट में ट्रेड कर रहा है 3397। लगभग हमारा पहला टारगेट 3428 है, इसके ब्रेकआउट के बाद हमारा अगला टारगेट 3560 है, राइट। नेक्स्ट स्टॉक है टीसीएस। मैंने आपको टीसीएस बताया था परसों ही यहाँ पर बाई करने के लिए, वहां से आप देखें 3277 से लगभग 3378 आया, 78 आया है। अभी भी स्विंग ट्रेड में इसकी पोजीशन आप बना सकते हैं, 3375 के ऊपर निकलते ही मार्केट का एक अच्छा टारगेट आएगा 3475। तो टीसीएस में भी अभी भी अपॉर्चुनिटी है स्विंग ट्रेड के लिए। नेक्स्ट स्टॉक है गाइस, इसका नाम है कोफोर्ज। मैंने आपको कोफोर्ज बताया था इसी लेवल पे 3914 पे, इसने आज के डेट में हाई बनाया 4050, लगभग यहां से 60 पॉइंट आपको दे चुका ऑलरेडी। नेक्स्ट है आपका एफएसएल। एफएसएल मैंने इसी लेवल पे बताया था 107 पे, इसने आज हाई लगाया 109.60, लगभग आप चेक कर सकते हैं। तो यहां से इसने आपको 2.5% का टारगेट दिया है एक दिन के अंदर। नेक्स्ट स्टॉक है गेल, जबरदस्त मोमेंटम दिया। गेल आपको सजेस्ट किया था परसों के वीडियो में, ट्रेंड लाइन के ऊपर भी बना था, इसके ब्रेकआउट भी आया हुआ था, आप चेक कर सकते हैं। आज के डेट में इसने लगभग 3% का मोमेंटम दिया है, ओवरऑल लगभग ये 3.23% का मोमेंटम एक दिन में दिया है गेल, मैंने इसको परसों ही बताया था। नेक्स्ट है आपका ग्रैनुअल। ग्रैनुअल्स में बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं आया और अभी भी एंट्री है, अगर आप चाहें तो टीसीएस के बाद ये एक स्टॉक है ग्रैनुअल जिसमें आप एंट्री बना सकते हैं स्विंग ट्रेड के लिए। आपका टारगेट 349 है और स्टॉप लॉस 331 है। नेक्स्ट है गाइस आपको हीरो मोटो को, जिसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। उसके बाद है यहाँ पे रेलटेल। रेलटेल में जबरदस्त आपका अपॉर्चुनिटी अभी है, बुलिश इंगल्फिंग बना, अभी आप बाई करना चाहें तो अभी भी आप बाई कर सकते हैं, जबरदस्त मोमेंटम आने वाली है रेलटेल में। तो आप टीसीएस, रेलटेल और ग्रैनुअल्स, इसमें आप अभी भी अपॉर्चुनिटी है स्विंग ट्रेड में, आप एंट्री ले सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से मैंने सारे स्टॉक्स बताए, इसमें सिर्फ 2 स्टॉक, 10 में सिर्फ 2 स्टॉक है जो कि मोमेंटम या तो दिया नहीं है या फिर थोड़ी बहुत नीचे है। सारे स्टॉक उसके बाद 2 से 2.5% दे चुका है और अभी भी 3 स्टॉक है इसमें अपॉर्चुनिटी है, आप अभी भी बाई कर सकते हैं। स्टॉक का नाम है टीसीएस, दूसरा स्टॉक का नाम है ग्रैनुअल्स, तीसरा है आपका रेलटेल। ये 3 स्टॉक है जिसमें आप अभी भी स्विंग ट्रेड की एंट्री ले सकते हो, जबरदस्त मोमेंटम देखने को मिल सकता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं कल के डेट में एक्सपायरी डे के दिन, राइट। सबसे पहले बैंक निफ्टी के एनालिसिस देखेंगे, कौन से वो इंपॉर्टेंट लेवल है, सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है जिस लेवल पे हम लोग ट्रेड करेंगे, और उसके बाद एक अच्छा सा टारगेट हमें देखने को मिलेगा वीकली एक्सपायरी में। करेंट लेवल पे आप देखें तो मार्केट ने क्लोज दिया लगभग 44,015 के आसपास। अगर यहां से देखें प्राइस एक्शन इसका एक बहुत अच्छा, इस लेवल पे एक रेजिस्टेंस हिट हुआ था, अगर इस लेवल को ब्रेक करके निकलता है तो पहला टारगेट 44,135 का होगा
और 44,135 को ब्रेक करता है 5 मिनट कैंडल या 15 मिनट के कैंडल में और रिटेस्ट करता है तो जबरदस्त टारगेट देखने को मिलेगा 44,135 के ऊपर 44,245 का टारगेट है। अगर 44,245 को ही ब्रेक करता है मार्केट मोमेंटम के साथ प्राइस एक्शन बनाते हुए तो हमारा अगला टारगेट होगा 44,365। ये सारे लेवल है, आप बोलोगे इस लेवल पे क्या करना है, इस लेवल पे मार्केट वोलाटाइल हो सकता है, इसमें वेट करना है, सिर्फ आपको वेट करना है पहला ब्रेकआउट 44,135 के ऊपर, सेकेंड ब्रेकआउट 44,246 के ऊपर हमारा टारगेट ये होगा, पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये। इनकेस अगर मार्केट इस रेंज में ओपन होता है इस रेंज में और यहां से अगर रेजिस्टेंस हिट होता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो होगा नीचे की ओर होगा 44,130 को अगर रेजिस्टेंस हिट करता है, डबल टॉप बनाता है, बियरिश इंगल्फिंग बनाता है या कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है, प्राइस एक्शन बनाता है तो गाइस नीचे के लिए टारगेट होगा 44,980 का और ये लगभग आपका टारगेट यहां देखें तो 150 पॉइंट्स का है। उसके बाद अगर प्राइस एक्शन यहां से ब्रेक करता है तो लाजवाब यहां पर पैनिक आएगा, अगर मार्केट में 43,975 के नीचे पैनिक आता है टारगेट होगा 43,875 क्योंकि इसी रेंज पे मार्केट होल्ड किया था और एक सपोर्ट बनाया था। फर्दर यहां देखिए इस लेवल पे ब्रेकआउट आया था, अगर यहां से ब्रेक करता है नीचे तो नेक्स्ट टारगेट होगा 43,850 के नीचे सेल करेंगे हमारा टारगेट होगा 43,750 और जब भी ट्रेड कर रहे हैं तो ऊपर में लगभग 40-50 पॉइंट के स्टॉप लॉस रखेंगे, उसके बाद लगभग 2:1 का हमें ट्रेड देखने को मिल सकता है। चलिए उसके बाद देखते हैं निफ्टी का ट्रेड कि निफ्टी वीकली एक्सपायरी के दिन किस तरीके से ट्रेड कर सकता है, कौन कौन सा वो लेवल है जिस पे ये ट्रेड कर रहा है। तो आज देखिए मार्केट पूरी तरह कंसोलिडेट था, ये लेवल एक ट्रेंड लाइन बना हुआ है, अगर मार्केट को बाई करना है तो वी विल ओनली थिंक फॉर बाई इफ मार्केट ब्रेक्स द लेवल ऑफ 18,690 लगभग 18,700 के ऊपर अगर मार्केट में प्राइस एक्शन बनता है तो ही हम बाई करेंगे, अदरवाइज बाई की तरफ नहीं सोचेंगे। ये लेवल जो है गाइस एक कंसोलिडेशन जोन हो सकता है, पैनिक सिनेरियो आएगा इस लेवल के नीचे और इसके नीचे सेल करेंगे 18,610 के नीचे सेल करेंगे, हमारा टारगेट होगा 18,575 का पहला टारगेट, अगर 18,575 के नीचे ब्रेक करता है तो सेकेंड टारगेट जो होगा 18,520 का होगा। बाई कब करेंगे, मार्केट 18,695 यानी 18,700 के ऊपर अगर कोई भी प्राइस एक्शन बनता है, कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, ब्रेकआउट आता है, रिटेस्ट करता है, फिर से ग्रीन कैंडल बनता है तो यहां से लगभग हम लोग 50-60 पॉइंट का टारगेट ले सकते हैं, 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, आउट ऑफ द मनी में आप ट्रेड कर सकते हैं। ये हुआ आपका निफ्टी बैंक और निफ्टी की एनालिसिस। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर फिलहाल आप देखे तो एक चीज और दिखा दूं गाइस, यहाँ पर एक कैंडलस्टिक फॉर्मेशन किया है, इसका नाम है इवनिंग स्टार। उम्मीद करता हूँ इवनिंग स्टार के नीचे अगर ये ट्रेड करना चालू किया तो एक पैनिक सिनेरियो आएगी और हमारा टारगेट जिस तरीके से मैंने आपको बताया है शॉर्ट टर्म में ये टारगेट आपको देखने को मिल सकता है 18,590, उसके बाद ही देखते हैं मार्केट कहां पर ब्रेक करता है, जो लेवल मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग ट्रेड होगा। अब मैं आपको बताता हूँ गाइस चार स्टॉक जिसमें आप इंट्राडे का ट्रेड कर सकते हो, प्योर इंट्राडे। सबसे पहला जो स्टॉक है उसका नाम है कैनफिन होम ने एक बेहतरीन प्राइस एक्शन बनाया है, यहां पर आप देखिए ट्रेंड लाइन बना हुआ है, ये लेवल पे ट्रेंड लाइन है, ये लेवल हिट किया मार्केट नीचे आया, दूसरी बार इसी लेवल पे हिट किया नीचे आया, थर्ड टाइम यही लेवल को हिट करके नीचे आया, फोर्थ टाइम इसने एक जबरदस्त ब्रेकआउट दिया और जिस ट्रेंड लाइन पे ब्रेक किया था उसी ट्रेंड लाइन पे इसने रिटेस्ट किया हुआ है। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलता है तो आपको जबरदस्त मोमेंटम देखते हुए इंट्राडे मिलेगा, 550 के ऊपर बाई करेंगे, पहला टारगेट 554 का होगा, स्टॉप लॉस लगाएंगे 547 का। अगर मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक करता है तो सेकंड टारगेट जो होगा गाइस 554 के ऊपर होगा 560 के आसपास, जबरदस्त ट्रेड आपको इंट्राडे में देखने को मिल सकता है कैनफिन होम में, राइट। नेक्स्ट स्टॉक है और नेक्स्ट स्टॉक का नाम आप देखें यहां पर, नेक्स्ट स्टॉक है गाइस वंस अगेन जो हमारा नेक्स्ट पीक है कल के लिए इंट्राडे के हिसाब से उसका नाम है कोफोर्ज। कोफोर्ज को अगर आप देखें तो यहां से इस लेवल पर रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट दिया और ऊपर में, बट अगर मार्केट इस लेवल के नीचे ट्रेड करना चालू करता है यानी कि 3,960 के नीचे मार्केट आता है तो पहला टारगेट 3,916 का होगा और ये लेवल जो है गाइस जबरदस्त पॉइंट है और लगभग ये 1% से ऊपर का है, 45 पॉइंट्स का यहाँ ट्रेड है, स्टॉप लॉस रखेंगे, लगभग यहां से 2:1 का ट्रेड करेंगे,
जो कैंडल ब्रेक करेगा उस कैंडल के ऊपर में हाई पे हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे और नीचे ट्रेड करेंगे, शॉर्ट करेंगे, 3916 का टारगेट हमारा हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है गाइस कमिंस इंडिया। कमिंस इंडिया ने एक जबरदस्त प्राइस एक्शन बनाया, 15 मिनट का टाइम फ्रेम, एक अच्छा सा ट्रेंड लाइन बना, ट्रेंड लाइन के ऊपर इसने ब्रेकआउट दिए, देने के बाद यहां पर देखे तो एक कंसोलिडेट किया है और एक असेंडिंग ट्रायंगल बनाया है। अगर मार्केट 15 मिनट या 5 मिनट के कैंडल में 1500 के ऊपर, 1498 1500 के ऊपर एक क्रूशियल लेवल 1500 के ऊपर अगर सस्टेन करता है 5 या 15 मिनट में, एक जबरदस्त टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। 2:1 का ट्रेड रखेंगे, जो कैंडल ब्रेक करेगा नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, ऊपर का टारगेट होगा। मैं बोल सकता हूं पहला टारगेट जो होना चाहिए यहां से आप एक्सपेक्ट करें तो आपका पहला टारगेट लगभग 24 पॉइंट का होगा, 1.61% इंट्राडे में। उसके ऊपर अगर निकलता है गाइस तो सेकंड टारगेट जो होने वाला है 1550 के आसपास का टारगेट हो सकता है। जबरदस्त यहां पर प्राइस एक्शन बना है कमिंस में। नेक्स्ट है आपका जुबिलेंट फूड। जुबिलेंट फूड का प्राइस एक्शन अगर आप देखें तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं, यही वो लेवल है जिस लेवल पे ये क्या कर रहा है, एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह बिहेव कर रहा है। ये लेवल पे आप देखें सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम ट्रेड करेंगे, 2:1 का रिस्क रिवार्ड के साथ ट्रेड करेंगे। जो कैंडल ब्रेक करेगा ऊपर में उसके नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे 15 मिनट कैंडल पे, ऊपर का हमारा टारगेट होगा 2:1 का। एक चीज और दिखाता हूँ, डेली टाइम फ्रेम में जो जुबिलेंट फूड ने एक जो कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन किया है ये जबरदस्त है। आज मार्केट यहाँ पर देखे तो गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद कल के कैंडल का जो ओपन था उसके ऊपर में क्लोजर दिया है, उम्मीद करता हूं एक अच्छा ब्रेकआउट आ सकती है। कल अगर मार्केट 530 के ऊपर ट्रेड करना चालू करता है, स्विंग ट्रेड में आप ट्रेड कर सकते हैं, 550 का हमारा टारगेट होना चाहिए। और ये लगभग आप देखें तो 3.5% 4% का टारगेट मुझे देखते हुए मिल रहा है जुबिलेंट फूड में, तो आप स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं जुबिलेंट फूड में और इसके ऊपर निकलते हैं या आप इंट्राडे का भी ट्रेड कर सकते हैं 2:1 के रिस्क रिवार्ड के साथ। तो गाइस मैंने तीन स्टॉक जो बताया था, TCS, रेलटेल और उसके बाद एक और स्टॉक था वो, और साथ में जुबिलेंट फूडवर्क्स, ये चार स्टॉक को स्विंग ट्रेड में भी आप रख सकते हैं, बाकी चार स्टॉक मैंने आपको इंट्राडे के हिसाब से बताया है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सारे स्टॉक्स में आपको कौन सा स्टॉक स्विंग ट्रेड में बेहतरीन लगा और इंट्राडे के हिसाब से ये चार स्टॉक में कौन सा स्टॉक है जिसका प्राइस एक्शन आपको अच्छा लगा, आपको लगता है कि एक अच्छा मार्केट मोमेंटम प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग देने वाले। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें अगर आप नहीं हुए तो, और गाइस उसके बाद वीडियो को आगे फॉरवर्ड भी करें। थैंक यू गाइस।